बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को एक बार बता दे, फिर हम वापस चर्चा पे लौटेंगे। प्रयागराज की बड़ी खबर है जहाँ पर छात्र की पीट कर हत्या की गई है। 10वीं के छात्र की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। दूसरे समुदाय के युवकों पर हत्या का आरोप है। छात्र ने छेड़खानी का विरोध किया था। हत्या के आरोप में 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला। छात्र ने छेड़खानी का विरोध किया और इसके बाद परिणाम स्वरूप हत्या कर दी जाती है। छेड़खानी का विरोध किया तो छात्र को मार डाला। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। प्रयागराज से ये पूरा मामला और ये तस्वीरें, वहाँ पर चीख पुकार मची हुई है। लोगों का बुरा हाल है, रो रो कर जो परिजन है, और इसके अलावा लोगों में गुस्सा भी, आक्रोश भी। आप इन तस्वीरों में देखें, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। 10वीं के छात्र की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है और जो आरोप लगा है वो दूसरे समुदाय के युवकों पर लगा है। जो जानकारी है वो ये कि छात्र ने छेड़खानी का विरोध किया था जिसके बाद हत्या उसकी कर दी गई और इस पूरे मामले में 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अब इसको लेकर पुलिस क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी देती है वो देखना होगा। कैंडल मार्च भी वहां पर निकाला गया, वो तस्वीरें सामने आ रही है। ये परिजन नजर आ रहे हैं जो कि रो रहे हैं और ये बड़ी घटना अपने आप में सवालों को जन्म देती है। लेकिन प्रयागराज से पूरा मामला जहाँ पर छात्र की हत्या पर बवाल मचा हुआ है, लोगों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है वो एक बार बहुत जल्दी से आप जान लीजिए। छात्र ने छेड़खानी का विरोध किया जिसके बाद उसकी मौत होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे मामले में जब घटना के बारे में पुलिस को खबर लगी तो पुलिस वहां पर पहुंची, वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय स्टूडेंट्स हैं, स्थानीय जो तमाम लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर कर विरोध जाहिर कर रहे हैं। कैंडल मार्च उन्होंने निकाला और ये घटना क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, 10वीं का स्टूडेंट बताया जा रहा है जिसने छेड़खानी का विरोध किया और इसके बाद उसकी जान ले ली गई। यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, इस पूरे मामले में क्योंकि बहुत गंभीर ये पूरा मामला हो जाता है और बहुत सारे सवालों को जन्म भी देता है, क्या एक्शन अभी तक और इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कह रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहां उस इलाके में कल देर रात काफी खराब हो गई थी उसको नियंत्रित किया गया। वहां भारी जो है पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई। खुद जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया और इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इसके बाद वहां से भिड़ती है और उसके बाद फिलहाल वहां पर पिछले कुछ घंटों से शांति बहाल है। हालांकि मौके पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब आगे जो पोस्टमार्टम है, दूसरी और प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है पुलिस। दावा कर रही है कि अगले कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अब इंतजार रहेगा कि इस मामले में क्या आगे कार्रवाई होती है। 10वीं का स्टूडेंट बताया जा रहा है, पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास? देखिए, जो आरोप लगाया गया पीड़ित परिवार की तरफ से, वो कहा गया है कि छेड़खानी का मामला था जिसमें एक वर्ग के लोगों ने जो है वो छेड़खानी की थी और उसका विरोध जो है वो किया जा रहा था इस छात्र द्वारा, और उसी दौरान जो है वो उनसे झड़प हुई। उस झड़प में जो है लोगों ने इसको इसकी पिटाई की और पिटाई के दौरान इसकी स्थिति बिगड़ी, जब अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब तो अवनीश, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठेंगे क्योंकि देखिए एक बड़ी घटना हो जाती है। क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? जैसा आपने कहा कि पहले तो छेड़खानी, जब छात्र इसको लेकर विरोध जाहिर करता है तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल इसको लेकर के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर सवाल जरूर उठेगा, और खासतौर पर इस तरह की घटना जहाँ पर भीड़ जो है वो इस तरह के हादसे को जो है कहीं ना कहीं अंजाम देती है तो फिर सवाल उठता ही है। और स्वाभाविक है कि फिर आपका आपका जो चाहे 112 का सिस्टम हो या फिर दूसरे और तंत्र जो पुलिसिंग में लॉ ऑर्डर को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में फेल नजर आते हैं और इसीलिए सवाल उठता है। बिल्कुल, इसको लेकर के शासन स्तर पर भी, मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी जो है इसका संज्ञान लिया गया। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहली आवश्यकता थी वो ये थी कि प्रयागराज का माहौल न बिगड़े, वहां पर लॉ ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े, और इस बात की कोशिश में जो स्थानीय अधिकारी हैं और जो शासन के अधिकारी हैं वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल, स्थिति ना बिगड़े, स्थिति कंट्रोल में रहे, अब एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने जरूर होगी। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा और मेरे सहयोगी अवनीश भी लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे कि इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या कुछ है, आगे किस तरीके से एक्शन यहां पर लिया जाएगा वो देखना महत्वपूर्ण है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवनीश, अब अहम सवाल ये, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं वो ये कि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश अब कैसे कंट्रोल में किया जाएगा? आक्रोश बिल्कुल था और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जब घटना हुई और उसके बाद इस तरीके से लोग जो थे वो कहीं ना कहीं
नाराज हुए और उसके बाद बड़ी संख्या में वहाँ पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।